वेलकम टू माय चैनल फुटबॉल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेरी स्पेशल बादाम की खीर, जो कि आप त्यौहार के दिनों में बना सकते हैं, स्पेशल ओकेजन में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम पिसा हुआ बादाम, अगर आपके पास बादाम पिसा हुआ नहीं तो आप घर में पीस सकते हैं, 3 चम्मच मैंने चावल लिया है, इसे भी मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया है, आधा कप मैंने लिया है चीनी, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है इलायची पाउडर। दोस्तों आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप खड़ा भी ले सकते हैं, 10 से 15 मैंने लिए हैं खड़े बादाम, और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है घी। तो सबसे पहले हमें दूध को गर्म होने के लिए गैस पे रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दूध गर्म, ये देखिए मैंने दूध गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है, ये देखिए हमारा दूध गर्म हो रहा है, और जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा तब हम अपना खीर बनाने का जो प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे दूध में एक उबाल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में अब उबाल आ रहा है। तो चलिए देखें अब हमें आगे क्या करना है। तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो चावल हमने दरदरा कर रखा था, इसको हल्का पानी से अच्छी तरह से हमें धो लेना है, और उसके बाद इसे 5 मिनट भिगो के रखना है। दोस्तों ये देखिए मैंने चावल को 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है, और उसके बाद मैंने इसे पानी में 5 मिनट भिगो के रखा था, और भिगोने के बाद मैंने पानी इसका निकाल दिया है। और अब मैं आगे खीर बनाना का बताती हूँ। ये देखिए अब हमारा जो दूध है वो भी अच्छी तरह से खोल चुका है, अब हम इस दूध में उबाल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल, और चावल को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से एक पलटे की मदद से चलाना है, ताकि जो हमारा चावल है वो नीचे तले में सटे ना, और इसे हर 5-5 मिनट पे हमें अब इसे चलाना है, और आँच हमें बिल्कुल ढीले रखना है, ध्यान में रखना है कि हमें हर 5-5 मिनट पे इसको चलाते रहना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है कि जो चावल हैं वो हल्के हल्के पकना शुरू हो चुका है, और इसी तरह से हर 5 मिनट में आपको इसको चलाते हुए बीच बीच में देखते रहना है। तो देखिए एक बार फिर 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, और जो ये साइड साइड में आप मलाई देख रहे हैं जो सटी हुई है, इसको भी आपको अच्छी तरह से निकाल के और इसको भी अंदर दूध में डाल के फेंट लेना है, ताकि आपकी जो ये खीर जो बन रही है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और साथ ही साथ आपको चावल चेक करना है कि हमारे चावल पके हैं या नहीं हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसको अच्छी तरह से चलाना है और धीमी आँच पर पकाना है। और फिर से मैंने एक बार चेक किया, और लगभग हमारे चावल अब पक चुके हैं, तो हमें इस तरह से इसको अच्छी तरह से फेंटते हुए चलाते हुए एक बार फिर से इसको ध्यान रखना। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने पिसा हुआ बादाम रखा था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरह से अब हमें इसको फेंटना है, ताकि जो ये बादाम पिसा हुआ है वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए, और थोड़ा सा भी उसमें जो ये आप देख रहे हैं गुठलियाँ हैं वो ना रहें, और उसको अच्छी तरह से आपको फेंटना है। जितना जल्दी जल्दी आप फेंट सकते हैं फेंट लीजिए, क्योंकि बादाम जब इसमें पकने लगेगा तो आपकी जो खीर है वो गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से पलटे से आपको, और इस वक्त आप अपने गैस की आँच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से खोले और आपका जो भी ये बादाम है वो अच्छी तरह से घुल जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी चला के इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने गैस की आँच तेज़ कर दी है, और मैं आप इसको इस तरह से पका रही हूँ, और इससे क्या होगा कि हमारा जो बादाम है वो पक जाएगा, और उसमें कुछ भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी, और हमारी खीर भी देखिए साथ ही साथ गाढ़ी ही हो रही है। तो जब तक हमारी खीर बन रही है तब तक हम एक पैन में जो हमने आधा चम्मच घी लिया था वो डाल के गरम करेंगे, और इसमें हम अपने ऑलमंड्स जितने भी हमारे बादाम हैं वो डाल के उसको हल्का रोस्ट करेंगे, जिससे कि जो बादाम का टेस्ट है वो हल्का सोन टाइप का लगे, आपको इस चीज़ ध्यान में रखनी है। तो साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं। और अब ये देखिए हमारी जो खीर है इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इस तरह से चला लेंगे, ताकि हमारा जो इलायची का फ्लेवर है
वो अच्छी तरह से खीर में आने लगे। आप देख सकते हैं मेरी खीर गाढ़ी हो रही है और टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। और हमें साथ साथ ये बादाम को भी ध्यान में रखना है ताकि ये जले ना, हमें सिर्फ इसे हल्का भूनना है, रोस्ट करना है, इसे जलाना नहीं है, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब हमारी ये खीर गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, मैंने आधा कप लिया है। अगर आपको कम मीठा पसंद है या ज़्यादा मीठा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। और उसको इस तरह से आपको जल्दी जल्दी चलाना है। दोस्तों ये खीर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसे शाही बादाम खीर भी बोल सकते हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आप ये देख सकते हैं ये बादाम जो है मेरे रोस्ट हो चुके हैं लगभग, अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँ। ये देखिए चीनी डालने के 5 मिनट बाद अब लगभग हमारी खीर है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है और बन चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया है। अब मैं एक एक करके जो मैंने बादाम रोस्ट किए थे, भुने थे, हल्के लाल किए थे, उसे मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और ठंडा ठंडा सर्व करूँगी। दोस्तों आपको इसी तरह से ये रेसिपी बनानी है। अगर आपको मेरी रेसिपी वाकई में अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। और प्लीज़ अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।